गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोग नोटबुक पेंसिल इरेजर बाहर निकाल लीजिए। आप लोगों ने निकाल लिया? चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कौन सा आपका? एलकेजी। और सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। ओके, तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने आफ्टर नंबर पढ़ा था, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था जिससे उम्मीद आप सभी ने बनाया भी होगा। आफ्टर मिस क्या होता है? बाद वाले नंबर को लिखना था, बहुत इजी था, आप लोगों ने बना लिया होगा। और आज आप लोगों को बिफोर नंबर पढ़ना है। आफ्टर नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं और आज बिफोर नंबर पढ़ना है। बिफोर मिस आफ्टर मिस होता है बाद, और बिफोर मिस पहले। जैसे पढ़ते हैं ना आफ्टर टू, टू के बाद क्या होगा, तो थ्री हम लोग आंसर करते हैं। और यहाँ हम पूछेंगे बिफोर टू क्या होगा, तो टू से पहले क्या आता है, काउंटिंग वन आता है, तो बिफोर टू क्या हो जाएगा, वन। आज आप लोगों को क्या पढ़ना है? बिफोर नंबर। बिफोर मिस होता है पहले, क्या होता है? यानी के पहले वाला नंबर, किसी जो नंबर आपको दिया रहेगा उससे पहले वाले नंबर को आप लोगों को लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ है, कौन सा नंबर आपको दिया हुआ? टू दिया हुआ, तो पहले वाला नंबर लिखना आपको। तो टू से पहले क्या आता है काउंटिंग में? आप लोगों को काउंटिंग आता है। आप लोग काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हो? वन टू थ्री फोर स्टार्ट करते हो, तो टू से पहले क्या आता है? वन आता है, तो बिफोर टू क्या हो जाएगा? वन। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइव, बिफोर फाइव क्या होगा? फाइव से पहले वाला नंबर क्या होगा? आपको लिखना है बिफोर फाइव। आप लोग कैसे काउंटिंग करते हो? काउंटिंग करते हो तो लिखते हो ना, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव से क्या पूछ रहे हैं? पहले पूछ रहे हैं ना, तो फाइव से पहले काउंटिंग में क्या आ रहा है? फोर आ रहा है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर। बिफोर फाइव क्या हो जाएगा? फोर। इस तरह करके आप लोगों को बनाना है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे आप लोग अभी बनाएंगे। ओके, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग मैच कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन है बिफोर सेवन, बिफोर ट्वेल्व, बिफोर ट्वेंटी टू, बिफोर थर्टी फाइव, बिफोर एट, बिफोर थ्री। ओके, क्वेश्चन क्या है? बिफोर सेवन, यानी सेवन से पहले कौन सा नंबर आएगा? आप लोग काउंटिंग कीजिएगा, उसे पता चल जाएगा। या आप लोगों को ऐसे आराम से पता है, सेवन से पहले क्या आता है काउंटिंग में? सिक्स आता है। बिफोर ट्वेल्व, ट्वेल्व से पहले क्या आएगा काउंटिंग में? बिफोर ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू से पहले क्या आएगा? बिफोर थर्टी फाइव, 35 से पहले क्या आएगा? बिफोर 8, 8 से पहले क्या आता है काउंटिंग में? और नीचे है बिफोर 3, 3 से पहले क्या आएगा? चलिए पहले आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिए और आप लोग रीडिंग डालेंगे। सबसे पहले आप लोग ऊपर में क्लास लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट, और रीडिंग डालिएगा बिफोर नंबर्स। चलिए आप लोग इसे पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, आप लोगों ने बना लिया, मैं बताती हूँ, आप लोग मैच कर लेंगे और उनका सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिस्टेक हुआ तो आप लोग सही कर लेंगे। ओके, क्या पूछ रहा है? बिफोर सेवन, सेवन से पहले क्या आता है? आप लोग काउंटिंग करते हो, तो चलिए वन से स्टार्ट करते हैं। सेवन कहाँ आता है? वन टू टेन के बीच में आ जाता है। हम लोग वन से टेन तक काउंटिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन
मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, यहाँ से फिर ये ऑर्डर करते। 1 2 3 4 5 6 7 सेवन से पहले क्या बोला मैंने? 6। सेवन से पहले क्या आएगा? 6। इसी तरह बिफोर 12 से पहले क्या आता है? चलिए काउंटिंग अगर आप लिखते हो 10 से लिखिए तो 10 11 12। 12 से पहले क्या आ रहा है? 12 से पहले पूछा जा रहा है ना, 12 से पहले कौन सा काउंटिंग में आ रहा है नंबर? 11। 12 से पहले क्या आ जाएगा? 11। बिफोर 12 क्या होगा? 11। यहाँ बिफोर 22, 22 से पहले क्या आता है? 21। क्या आता है? 21। नेक्स्ट है बिफोर 35। आप लोगों क्या करना, टेंस प्लेस वाले को वैसे ही रहने देना है, और 5 से पहले क्या आता है? 4 आता है ना, तो आप लोग यहाँ 4 लिख लेंगे। ये इजी मेथड हो गया। तो 34 क्या हो जाएगा? 34। 35 से पहले क्या आ जाएगा? 34। ये वन डिजिट नंबर है, इसमें कोई ये नहीं है। 8 से पहले क्या आता है काउंटिंग में? आप लोग 1 से स्टार्ट कीजिए काउंटिंग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 आया पहले, 8 से पहले क्या आया? 7। बिफोर 3, 3 से पहले क्या आता है काउंटिंग में? 1 2 3, 2 आता है ना। चलिए आप लोग पहले मैच कर लें इसे। उन्होंने सही बनाया था या नहीं? चलिए फिर मैं आगे देती हूँ कुछ और क्वेश्चंस। बिफोर 43, बिफोर 56, बिफोर 65, बिफोर 73, बिफोर 88, बिफोर 99। चलिए आप लोगों के नोटबुक में हाफ पेज बचा हुआ होगा, आपको वहीं से लिखना स्टार्ट करना। यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा दिया। आप लोगों ने नोटबुक में जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना। ओके, बिफोर 43 क्या हो जाएगा? चलिए मैं एक समझा देती हूँ। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, वंस प्लेस और टेंस प्लेस आप लोगों को पता है, मैं एक और तरीके से बता रही हूँ। तो टेंस प्लेस में कोई चेंजेस नहीं करना है, जीरो रहेगा तब चेंज होगा, लेकिन अभी आपको जीरो वाला नहीं पड़े हो तो 4 है तो डायरेक्ट 4 लिख देना, टेंस प्लेस का हो गया। और वंस प्लेस पर देखिए क्या है, 3 है, वंस प्लेस वाले को चेंज करना है। 3 से पहले क्या आता है? बिफोर है, यानी बिफोर नंबर पूछ रहा पहले वाला, तो 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है। हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 4 था तो 4 तो है ही और 2, 43, 43 से पहले क्या हो गया? 4 2 42। इसी तरह यहाँ देखिए टेंस प्लेस पे 5 है और वंस प्लेस पे 6 है, तो टेंस प्लेस वाले को वैसे ही लिख लेंगे और वंस प्लेस वाले में क्या करेंगे? 6 है तो 6 से पहले जो कौन सा नंबर आता है? 5 आता है, तो 56 से पहले क्या हो जाएगा? 55। चलिए इसी तरह करके आपको जैसे समझ आ रहा, सही लग रहा है, वैसे करके बना सकते हैं। लोगों ने बनाया है तो चलिए मैं बताती हूँ। बिफोर 66 क्या हो जाएगा? टेंस प्लेस पे 5 है, इसे हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। और 6, अब यहाँ क्या है? 6। 6 से पहले क्या आता है काउंटिंग में? आप लोगों को पता ही है 5 आता है, तो 56 से पहले क्या हो गया? 55। इसी तरह देखिए यहाँ 65 है, इसमें 6 है तो इसे डायरेक्ट टेंस प्लेस वाले को लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और वंस प्लेस वाले में क्या करना है? इसे हम लोग बिफोर करके देखेंगे। 5 से पहले क्या आता है? बिफोर 5 क्या होता है? 4 होता है। 6 था और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 4 लिख लेंगे। 5 से पहले क्या आता है? 4। 65 से पहले क्या हो जाएगा? 64। इसी तरह टेंस प्लेस पे 7 है तो 7 को हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट, चेंजेस कहाँ करेंगे? वंस प्लेस वाले में। तो वंस प्लेस पे कितना है? 3 है ना, तो 3 से पहले क्या आता है काउंटिंग में? 1 2 3 क्या आता है? 2 आता है, तो ये हम लोग 2 लिखेंगे। 73 से पहले क्या हो जाएगा? 72। नेक्स्ट है 88, तो टेंस प्लेस पे 8 है, जिसे हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और वंस प्लेस पे 8 है,
वंस प्लेस हम लोग चेंज करते हैं, तो वंस प्लेस यानी पे एट है, तो एट से पहले क्या आता है काउंटिंग में, बिफोर एट क्या हो जाएगा सेवन, एट था और यहाँ सेवन, तो एट सेवन एट्टी सेवन, बिफोर एट एट क्या हो जाएगा एट्टी सेवन। नेक्स्ट है नाइनटी नाइन, तो टेंथ प्लेस पे नाइन है, तो नाइन तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, और यहाँ देखिए नाइन है वंस प्लेस पे, वंस प्लेस वाले में चेंजेस करना है, तो नाइन है, तो नाइन बिफोर नाइन क्या होता है, नाइन से पहले क्या होता है एट, हम लोग यहाँ कर क्या करेंगे एट लिख लेंगे, बिफोर नाइनटी नाइन क्या हो जाएगा नाइनटी एट, बिफोर फोर्टी थ्री फोर्टी टू, बिफोर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फाइव, बिफोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फोर, बिफोर सेवेंटी थ्री सेवेंटी टू, बिफोर एट्टी एट एट्टी सेवन, बिफोर नाइनटी नाइन नाइनटी एट। बिफोर मीन्स बस ये ध्यान रखना पहले वाला नंबर लिखना, तो नाइनटी नाइन से पहले क्या आता है नाइनटी एट। टेंथ प्लेस वाले में कोई चेंजेस नहीं करना, बस डायरेक्ट जीरो अगर रहता तब तो वह भी आप लोगों को जीरो वाला मैंने बता रहा हूँ, इसमें बस ये ध्यान रखना टेंथ प्लेस वाले को वैसे ही लिख लेंगे और वंस प्लेस में चेंजेस करेंगे। नाइन है तो बिफोर नाइन क्या होता है एट होता है, नाइन से पहले एट होता है, एट है तो एट से पहले क्या होता है सेवन, थ्री है तो थ्री से पहले क्या होता है टू, फाइव है तो फाइव से पहले फोर, सिक्स है तो सिक्स से पहले फाइव, थ्री है तो थ्री से पहले टू। टेंथ प्लेस में कोई चेंजेस नहीं है, जो था उसी ही हम लोगों ने लिखा। इसलिए आप लोगों ने नोट आप लोग पहले से नोट कर ले, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देती हूँ, जिसे आप लोगों को घर से बनाना है, होमवर्क को घर पे बनाना है। आप लोग इसे होमवर्क में नेक्स्ट पेज में नोट करेंगे, बिफोर सिक्सटी टू, बिफोर थर्टी टू, बिफोर ट्वेंटी नाइन, बिफोर सेवेंटी सिक्स, बिफोर सिक्सटीन। Before 28, before 39, before 47, before 59, before 81, 82. ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोगों को होमवर्क में बनाना है। ओके, बिफोर 62 क्या हो जाएगा, बिफोर 32 क्या होगा, बिफोर 29, बिफोर 76, बिफोर 16, बिफोर 28, बिफोर 39, बिफोर 47, बिफोर 59, बिफोर 82। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे आप लोगों को आप लोग बना सकते हो। टेंस प्लेस को डायरेक्ट लिख देना जो टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस में चेंजेस करना है। टू है तो टू से पहले क्या होता है वन, सिक्स डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग टेंथ प्लेस वाले को, और टू है तो टू से पहले क्या होता है वन, तो सिक्स वन क्या हो जाएगा सिक्सटी वन, सिक्सटी टू से पहले क्या आ जाएगा सिक्सटी वन। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोगों को होमवर्क में बनाना है। ओके, तो चलिए फिर आप लोगों ने नोट कर लिया, आपका आफ्टर बिफोर नंबर दोनों कंप्लीट हो चुका है। फिर आज का क्लास आपका यही था क्या, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।